हेलो बच्चों, मैं हूं शशिकांत सर और स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अचीवमेंट इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज में। आज की इस वीडियो में मैं आपको नरेशन में जनरल रूल्स से चेंज ऑफ टेंस बताने जा रहा हूं। याद रखिएगा कि जनरल रूल्स में तीन भाग में बांटा गया है, जिसमें एक है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसी में आपको हम आज जो है आपको चेंज ऑफ टेंस बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग टेंस को परिवर्तन करना है, क्या नियम कहता है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो क्या नियम कहता है टेंस को बदलने के लिए, आज उसी को बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो नियम क्या कहता है समझना है आपको। नियम कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, याद रखना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना सेंटेंस में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह के सेंटेंस में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका जो है पास्ट टेंस में, याद रखना रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदल जाता है। यदि आपका डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस है वो इस प्रकार बदल जाता है। कैसे बदल जाएगा देखो मैं बता रहा हूं आपको। एक सेंटेंस यहां पर लिए हैं डायरेक्ट स्पीच के, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, इसका दो भाग है, याद रखना ये जो भाग जो है आपका रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, ये भाग जो है रिपोर्टिंग स्पीच है और इस भाग में जो वर्ब है सेड यही आपका क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है, यही सेड क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब सेड क्या है पास्ट टेंस में है। जब ये पास्ट टेंस में रहेगा सेड तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो सेंटेंस है दिया हुआ दूसरा पार्ट जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है ये रिपोर्टेड स्पीच है। इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में जो प्रयुक्त हुआ है टेंस वो कैसे बदलेगा उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इतना याद रखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच कैसे बदलता है। तो देखिए जब वर्ब होगा हमारा क्या सेड तो कैसे बदल जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो बदल जाएगा सिंपल पास्ट में, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट रहेगा वो नो चेंज होता है, याद रखना पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज। इसके अतिरिक्त और भी कुछ वर्ब्स हैं जो इस प्रकार बदल जाते हैं, जैसे एम इज दिया रहेगा तो वाज में बदल जाएगा, आर दिया रहेगा तो वेयर में बदल जाएगा, हैज हैव रहेगा तो हैड में बदल जाएगा, डू डज रहेगा तो डिड में बदल जाएगा, कैन होगा तो कुड में चला जाएगा, शैल शुड में, विल वुड में माइट में और मस्ट आउट कुड शुड वुड नो चेंज होता है। मस्ट आउट कुड शुड ये सब चेंज नहीं होता, मतलब तो जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी जो है डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट कुड शुड वुड रहेगा तो वैसे ही इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हैज हैव प्लस टू प्लस भीवन रहेगा तो हैड टू प्लस भीवन में चेंज हो जाएगा, हैज हैव हैड प्लस टू प्लस भीवन रहेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा आपको हैड टू प्लस भीवन में हो जाएगा। कुछ अब उदाहरण ले लेते हैं एग्जाम्पल और उसके माध्यम से हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में लिखा हूँ कि ही सेड टू मी आई प्ले फुटबॉल और ये क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये पास्ट टेंस में है, क्या है पास्ट में है तो इसके अंदर जो टेंस प्रयुक्त हुआ है उसको चेंज करना है। यहाँ पर भीवन है तो ये भी टू में हो जाएगा, मतलब कि प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस का है सेंटेंस तो ये चला जाएगा तो किस में हो जाएगा पास्ट इनडिफिनिट में हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग चेंज करते हैं, जैसे दिया हुआ कि ही सेड टू मी, आपको पता होगा नरेशन चेंज करने का रूल, सेड बदल जाता है टोल्ड में जब ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लेते हैं हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं तो ही टोल्ड मी दैट, आई है
आपको सन बड़ा 123 भी याद होगा, जनरल्स वाला याद रखना है चेंज ऑफ पर्सन का, तो आई बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो जाएगा, प्ले है तो क्या हो जाएगा प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। उसी तरह से दूसरा देखेंगे हम लोग, इसमें दिया हुआ है सी सेड पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, आई एम रीडिंग ए पोयम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इसको बदलेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी सेड दैट सी वाज रीडिंग ए पोयम हो जाएगा, सी वाज रीडिंग ए पोयम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल गया, जो आपको पहले बताया था कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब होगा पास्ट टेंस में तब। नेक्स्ट है इसका कि दे सेड वी कैन हेल्प यू, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव इनडायरेक्ट, दे सेड दैट वी है, तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार क्या हो जाएगा दैट दे, कैन है तो क्या हो जाएगा जी कुड हेल्प, यहां पर ले लेंगे मी। अब कहोगे कि सर मी ले लिए, तो यहां पर जब मी ले लेंगे तो हम इसको ऐसे ही बदल सकते हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि यू जो दिया हुआ है ना, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो हो जाएगा दे टोल्ड मी, दे टोल्ड मी दैट दे कुड हेल्प मी, दे टोल्ड मी दैट दे कुड हेल्प मी, ये बदल गया। कैन बदल गया किस में, कुड में, सेल बदल जाता है शुड में, विल बदल जाता है वुड में, मे माइट में, ठीक है, एम इज आर वाज वेयर में, हैज हैव हैड में, डू डज डिड में। अब एक और रूल है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, करा है चेंज ऑफ टेंस में। दूसरा रूल क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस से या सेज हो, या हैज सेड दिया हुआ रहे, या हैव सेड दिया रहे, या फ्यूचर में विल या सेल से दिया रहे, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को याद रखना है। जैसे सेज टू मी दिया रहे, सेज टू मी या सेड टू मी, या विल सेड टू मी या सेल सेड टू मी, तो इस तरह से दिया रहेगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो रहेगा टेंस उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कैसे नहीं होगा, देखना है क्या कह रहा है इस पर। तो यहाँ पर सेंटेंस कुछ लिखा हुआ है, ही सेज, V1 या V5 क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का बोध कराता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में पूछ रहा है, तो जो इसके अंदर का जो टेंस है चेंज नहीं होगा, पर्सन चेंज हो सकता है लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे ही टेल्स, सेज के बाद ऑब्जेक्ट है इसलिए हमने ले लिया है टेल्स में, ही टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग दैट लेते हैं, आई है तो सन बड़ा 123 का नियम फॉलो करते हुए चलेंगे, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ही, नो है तो नोज हो गया, और यू है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा तो मी हो गया। तो ढेर कहेंगे कि सर नोज कर दिए टेंस चेंज हो गया, नो या नोज सिंपले प्रेजेंट टेंस में आता है, याद रखना नो या नोज सिंपले प्रेजेंट में आता है, कोई चेंज नहीं हुआ है। उसी तरह से दूसरा देखते हैं इसमें, दे से वी आर गोइंग टू मार्केट, तो दे से दैट, यहां पर से ही रखें क्योंकि ऑब्जेक्ट कोई है नहीं यहां पर, तो दे से दैट दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट। अब कहोगे कि सर इसमें चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं चेंज हुआ, से V1 है या V5 रहे तो उस प्रेजेंट टेंस में होता है और प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस कोई परिवर्तन नहीं होगा। वी सेड टू हिम, तो यहां भी देखो वी टेल हिम दैट यू, तो क्या हो जाएगा यहां पर ही इज गिल्टी। देखो यहां पर बदल दिए, यहां पर टेंस नहीं बदला है, पर्सन बदल सकता है लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। एक और फ्यूचर वाला उदाहरण लेके हम लोग चलते हैं, अगर फ्यूचर में दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा कि ही विल से टू मी,
ठीक है, कहेगा कि ही विल से टू मी आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, ही विल से टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो कैसे बदलेंगे इसको, तो देखिए यहां पर He will tell me that, tell हो जाएगा, will से रहेगा उसके बाद ऑब्जेक्ट तो tell में बदल देंगे, says के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा tell tells में बदल देंगे, लेकिन यहां पर जो है फ्यूचर में है, will से क्या है फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब है तो टेंस में चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच के, तो दैट यहां फर्स्ट पर्सन तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा ही इज योर है, ऑब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो टेंस होता है बदलता नहीं है। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।